उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान होना है, ऐसे में तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर डोर टू डोर प्रचार प्रसार अभियान कर रहे हैं। लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू गांधी जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार डोर टू डोर प्रचार अभियान कर रहे हैं, क्या रणनीति, किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कैंट से प्रत्याशी बनाया है, और जिस दिन से हम लोगों ने नामिनेशन फाइल किया उसके बाद से लगातार हम लोग सड़कों पर गली गली जनसंपर्क कर रहे हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, क्या लगता है? 10 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, कोई सरकार नहीं बनने, सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही। अच्छा, अगर बात की जाए लखनऊ कैंट विधानसभा की, तो यहाँ पे बृजेश पाठक जी हैं भाजपा के प्रत्याशी, क्या लग रहा है मुकाबला कितना होने वाला है? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है, लोकल ग्राम बाहरी का चुनाव है, वो मध्य क्षेत्र में विधायक रहे हैं, वहाँ से यहाँ आए हैं तो वो बाहरी हैं, और मैं यहाँ से लगातार 2 बार पार्षद रहा हूँ मोतीनगर से, और इस समय मेरी धर्मपत्नी चरणजीत गांधी पार्षद है। हम लोकल के यहीं के रहने वाले, यहीं की पैदाइश हुई है और हमने काम किया अपने क्षेत्र में, आदर्श वार्ड भी हमारा वार्ड कहा जाता है, और सम्मानित क्षेत्र की जनता के कहने पर ही मैंने टिकट मांगा था और मुझे टिकट मिला है, और मैं लगातार काम कर रहा हूँ क्षेत्र में, और मैं कंट क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मुझे वो इस चुनाव में विजयी बनाएगी तो निश्चित रूप से जैसे मोतीलाल नेहरू वार्ड आदर्श वार्ड है वैसे ही पूरा कंट आदर्श कहलाया जाएगा, ये मैं इतना वादा करता हूं। तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको जनता काफी पसंद कर रही है, खासकर युवा, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी की रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या लगता है? रोजगार वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी अखिलेश यादव जी ने उठाया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, हर चीज़ बेचने का काम किया, देखा आपने, रेल भेज दिया, मेट्रो भेज दिया, हवाई जहाज अड्डा भेज दिया, सब भेज दिया उन्होंने। काम अगर किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, और सबसे ज़्यादा अगर महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, उन्होंने फ्री लैपटॉप देने का वादा किया है, पेंशन जो 500 रुपये थी उसको 1500 रुपये महीने देने का वादा महिलाओं को किया है, इस तरह के सारे काम जो है, पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है, ये सारे, और जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करती है, जो पहले घोषणा पत्र था हमारा 2012 में, वो सारे घोषणा पत्र जो वादे किए थे वो पूरे हुए, और आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में था वो पूरा नहीं किया गया। अपना लाइव सर, आखिरी सवाल है आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही उनको संदेश देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी सरकारों को भगाकर उत्तर प्रदेश में एक सही सरकार बनाए जिससे जनता को लाभ मिल सके। आम जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, ये आप सब लोग देख रहे होंगे, एक एक, चाहे वो मीडियम वर्ग हो चाहे वो गरीब तबका हो, महंगाई एक चरम पे है, आप देख रहे हैं कड़ुआ तेल कहाँ जा रहा है, राशन पानी कहाँ जा रहा है, इसलिए जनता जो है वो खुद ही भाजपा को हटाने काम कर रही है। बहुत बहुत तो ये थे हमारे साथ लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू गांधी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ सरकार बनने जा रही है वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त आ चुकी है। विजय दिनेश के साथ मुंबई डेली इंसाइडर लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।